नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स। साथियों, आज आपको खजुराहो के मंदिर की शैक्षिक व ऐतिहासिक जानकारी बताते हैं, जो TGT, PGT, KBS, DSSB, UGC नेट आदि कला अध्यापक की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि शैक्षिक ऐतिहासिक स्तर पर आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। साथियों, धार्मिक क्षेत्र खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बाबा बागेश्वर धाम तथा पन्ना के समीप एक छोटा सा पता इतने पे अच्छा नहीं जाएगा। साथियों, खजुराहो के मंदिरों तक पहुंचने के लिए दिल्ली तथा मुंबई से सीधी फ्लाइट है, जिसमें आप एरोप्लेन अर्थात हवाई जहाज के माध्यम से खजुराहो तक पहुंच सकते हो। तथा साथियों, रेल मार्ग में कुरुक्षेत्र से चलकर दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा इत्यादि से होकर खजुराहो को सीधी रेलगाड़ी पहुंचती है। इसके साथ साथ साथियों, आप अपने पर्सनल टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर अर्थात पैदल मार्ग से भी आप खजुराहो के मंदिर तक पहुंच सकते हो। साथियों, खजुराहो में ठहरने के लिए 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक सुंदर होटलों की व्यवस्था है, लेकिन यदि आपका बजट कम है तो आपके लिए खजुराहो के मंदिरों से मात्र 10 मीटर की दूरी पर योगी लॉज है, जिसमें बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। वहां पर आपको रहने के साथ साथ खाने पीने की भी सुविधा मुहैया कराई जाती है, तथा सबसे महत्वपूर्ण और प्रशंसा की बात ये है कि योगी लॉज का जो पूरा स्टाफ है वो बहुत ही कुशल एवं सम्मानित है, तो आप वहां जाकर भी ठहर सकते हो। साथियों, खजुराहो के मंदिरों के दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा उपलब्ध है। आप जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, वहां पर आप स्कैनर से अपने मोबाइल से स्कैन करके QR को ₹35 पर व्यक्ति के हिसाब से टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हो। तो साथियों, अब हम बताते हैं इसके नामांकन के बारे में कि आखिर इस स्थान का नाम खजुराहो कैसे पड़ा। तो साथियों, भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न यहाँ के स्थान का नाम खजुराहो पड़ने का कारण बताया जाता है। खजुराहो के जो खजूर के यहाँ पर एक जो कारण है खजुराहो नाम पड़ने का, वो ये बताया गया है कि यहाँ पर खजूरों के वृक्षों की बहुत अधिकता थी, शायद इसी वजह से इस स्थान का नाम खजुराहो पड़ा। दूसरा कारण, मुख्य प्रवेश द्वार पर जो खजुराहो का पूर्वी और पश्चिमी मुख्य प्रवेश द्वार थे, वहां पर बताया जाता है कि दाएं बाएं में दो स्वर्ण अर्थात सोने के बने हुए खजूर वृक्ष मुख्य द्वारों पर लगे हुए थे, शायद इसी वजह से इस स्थान का नाम खजुराहो पड़ा। एक अन्य कारण में मंदिरों की जो खजुराहो के मंदिर हैं, उनकी दीवारों पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष से जुड़े हुए मूर्ति शिल्प बने हुए हैं, तो शायद क्योंकि जो भटके हुए लोग हैं जिनको धर्म
अर्थ और काम मोक्ष के रास्ते से जो लोग भटक गए हैं, यदि वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएं, तो वो भटके हुए लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला ये स्थान है। शायद इसलिए इसको खजुराहो कहा गया है। अच्छा, एक अन्य कारण बताते हैं साथियों कि एक थे चंद्र बरदाई, जो पृथ्वीराज राशों के जो राजकीय कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज राशों नामक ग्रंथ में इस स्थान का नाम खजनापुरी लिखा है। और साथियों, पश्चिमी मंदिर समूह के अंतर्गत एक मंदिर आता है, विश्वनाथ मंदिर। उस विश्वनाथ मंदिर में एक शिलालेख लिखा हुआ है और उस शिलालेख में इस स्थान का नाम खजुरबाहक लिखा हुआ है। साथियों, एक अन्य कार्ड में बताते हैं कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर एक मतंगेश्वर मंदिर है जहाँ पर आज भी पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि रावण काल के दौरान उस समय एक मतंगेश्वर ऋषि यहाँ पर पूजा करते थे। तो जब वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। तो साथियों, इस मंदिर में जो मतंगेश्वर मंदिर है, वो हम जो दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, एक 18 फीट का शिवलिंग है जो 9 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन से बाहर है। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जो है ईश्वर को, भगवान शिव को प्राप्त करने का जो मार्ग को खोजा था, इसीलिए इसको खोजो मार्ग अर्थात खोजो राह है या खजुराहो पड़ गए। खजुराहो यानी खोजो राह, खोजो राह से खजुराहो पड़ गया। एक साथियों विदेशी यात्री थी अलवरुनी। जब वो अपनी भारत यात्रा पर इस स्थान से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस स्थान का चित्र करते हुए या विवरण करते हुए अपने ग्रंथों में इस स्थान का नाम जजाहूति लिखा है। साथियों, महोबा अभिलेख की चंदेल वंशावली में इस स्थान को जयजाभूति नाम से पुकारा गया है। अब साथियों, थोड़ा सा ध्यान हम इसकी राजनीतिक स्थिति की तरफ करते हैं। तो साथियों, बहुत ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार संपूर्ण भारत 18 महाजनपद में विभक्त था और यह स्थान उन 18 जनपदों में से एक जनपद जिसका नाम था बत्स। तो यह स्थान साथियों उस बत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। साथियों, दतिया जिले में स्थित एक गुर्जरा अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र पर मौर्यों ने भी शासन किया था। मौर्यों के बाद कुषाण के बाद नाग, नागों के बाद वाकाटक तथा वाकाटकों के बाद प्रतिहारों ने इस स्थान पर शासन किया। और साथियों, चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे जिन्होंने बाद में स्वयं को यहाँ का राजा घोषित किया और अपना राज चिन्ह वे राज मुद्रा का निर्माण कराया, जिसमें उनका राज चिन्ह एक शेर था जो आप वीडियो में देख सकते हैं। साथियों, हम चाहते तो वाईफाई इस वीडियो को बना सकते थे, लेकिन साथियों बताते हैं कि शिक्षा दर्शन पर आधारित है।
जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हम एक फिक्चर फिल्म देखते हैं और वो कंठस्थ हो जाती है, तो हमारा मानना है कि क्यों ना खजुराहो के मंदिरों की वीडियो बनाकर आपको शैक्षिक ज्ञान से रूबरू कराया जाए। इसलिए साथियों कि हम आपको अधिक से अधिक खजुराहो के बारे में किताबों से भी ऊपर बढ़कर जानकारी दे सकें, हम स्वयं अपने गृह स्थान जेवर टप्पल ग्रेटर नोएडा से चलकर खजुराहो के मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंचे और वहां पर हमने तपती दोपहरी में इन मंदिरों की वीडियो बनाई और एक एक चीज को बारीकी से देखा, जिससे कि आपके विषय में एग्जाम के समय पर कोई भी प्रश्न आपसे अछूता ना रहे, हर सवाल का आप खुशी खुशी उत्तर दे सकें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं कि चंदेलों के किले तथा महल, महोबा तथा कालिंजर, कालिंजर अर्थात जो बांदा जिले के अंतर्गत आता था, वर्तमान में जो बांदा जिला बोलते हैं उस समय उसको कालिंजर बोलते थे, तो कालिंजर और महोबा में चंदेलों के किले तथा राजमहल थे तथा यहीं से अपना शासन चलाते थे। लेकिन यहाँ से अर्थात महोबा और कालिंजर से 97 किलोमीटर दूर स्थित खजुराहो चंदेलों का धार्मिक स्थान था। अब खोज के बारे में जानकारी लें तो साथियों 1838 ईस्वी में एक अंग्रेज इंजीनियर थे जिनका नाम था टीएस वर्ड, वह जब इस स्थान पर मध्य प्रदेश का जो नक्शा बनाते बनाते पहुंचे तो उन्होंने इस स्थान को 1838 में खोज निकाला। साथियों खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, अर्थात तीन समूहों में इनको बांटा गया है, जिसमें से पश्चिमी समूह बहुत ही प्रसिद्ध है। पश्चिमी समूह के मंदिरों में साथियों मतंगेश्वर मंदिर और उसके पास ही लक्ष्मण मंदिर। तो साथियों मतंगेश्वर मंदिर के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं और उसके बाद में लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, बराय मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जो बहुत ही फेमस है, सिंह मंदिर, जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर जो मुख्य रूप से सूर्य भगवान का मंदिर है और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर, नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, प्रतापेश्वर मंदिर तथा सबसे प्राचीन 64 योगिनी का मंदिर स्थित है। पूर्वी समूह के मंदिरों में साथियों ब्रह्मा मंदिर, बामन मंदिर, जवारी मंदिर, घंटाई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर तथा शांतिनाथ मंदिर स्थित है और दक्षिण समूह के मंदिरों में दूल्हा देव तथा चतुर्भुज मंदिर स्थित है। जो जो है खजुराहो के जो पश्चिमी समूह के मंदिर हैं इनसे 2 किलोमीटर दूर जो खजुराहो का प्राचीन गांव है वहां पर दूल्हा देव चतुर्भुज के मंदिरों स्थित है। तो साथियों इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 900 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक किया और इनका निर्माण करके खजुराहो की भूमि को मंदिर निर्माण से पवित्र करके अलौकिक स्वर्ग बना दिया। कहा जाता है कि यहाँ कुल मंदिरों की संख्या 85 अर्थात 85 थी, लेकिन बाद में विदेशी आक्रांता जैसे महमूद गजनवी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको बहुत ही नुकसान पहुंचाया और उसके साथ साथ समय के साथ चलते चलते क्योंकि 1100 वर्ष पुराने मंदिर हो गए साथियों कि समय के अभाव में बिना देखरेख के कारण भी ये मंदिर जो क्षतिग्रस्त हुए। और तीसरा मुख्य कारण है साथियों कि जो यहाँ के जो लोग हैं मूल निवासी जो लोग हैं यहाँ के
उन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए मंदिरों को तोड़कर उनके चबूतरों पर अपने घरों का निर्माण कर लिया, जिस वजह से 85 से घटकर आज इन मंदिरों की संख्या मात्र 25 अर्थात 25 रह गई है। साथियों, मंदिर निर्माण शैली के हिसाब से यहाँ के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मुख्यतः हमारे देश में तीन ही स्थापत्य कला मंदिर निर्माण की शैली है, जिसमें नागर शैली और एक है नागर शैली और एक होगी आपकी बेसर शैली और एक होगी द्रविड़ शैली। तो ये जो खजुराहो के मंदिर हैं साथियों, ये नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन्हीं मंदिरों को मथुरा शैली के मंदिर भी कहा गया है, क्योंकि साथियों इन मंदिरों की जो स्थापत्य कला है, मूर्ति शिल्पों को जो मथुरा के कारीगरों ने आकर बनाया है, क्योंकि मथुरा से कारीगरों को बुलाकर ये जहाँ एक केन नामक नदी गुजरती है वहाँ पर उन कारीगरों को लाकर वहाँ पर जो है शिफ्ट किया गया, और केन नदी पर बैठकर ही वहाँ के पत्थरों से उन मथुरा के कारीगरों ने मूर्ति शिल्पों को बनाया, जिससे ये पत्थर एक पत्थर से बनी मूर्ति होने के कारण भी अलग अलग रंग की ये मूर्ति दिखाई देती है, इसलिए साथियों शैली को मथुरा शैली भी कहते हैं। और तीसरा शैली इसको पंचायतन शैली कहते हैं, क्योंकि साथियों खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए थे। वर्तमान में साथियों यदि आप देखोगे तो एक लक्ष्मण मंदिर ही ऐसा मंदिर है भगवान विष्णु का, जो पूर्ण रूप से पंचायतन शैली में सुरक्षित है। पंचायतन शैली का मतलब होता है साथियों कि जिस देवता का मंदिर होता है उसी देवता के जो जगती पर अर्थात चबूतरे पे चारों किनारों पर चार छोटे छोटे मंदिर और होते हैं, तो चारों किनारों पर चार मंदिर और एक मुख्य मंदिर को मिलाकर पांच मंदिर, इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा गया है। एक अन्य शैली साथियों इसको शानदार और निरंधार शैली भी कहते हैं। शानदार अर्थात जिन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ मंदिर के गर्भगृह के पास अर्थात अंदर होता है मंदिर को, उसको शानदार शैली, और जिन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता उन मंदिरों को निरंधार शैली। जैसे साथियों कंदरिया महादेव का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर शानदार शैली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रदक्षिणा पथ अर्थात परिक्रमा जो की जाती थी मंदिर के अंदर है, और साथियों सिंह स्तंभ और आपका जो है जगदम्बा मंदिर चित्रगुप्त मंदिर ऐसे मंदिर है जो निरंधार शैली में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रदक्षिणा पथ नहीं है। साथियों खजुराहो के मंदिर यशोवर्मन से लेकर चंद्रवर्मन और धंग आदि राजाओं ने इस जो का इन मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेलों के बाद इस स्थान पर बुंदेलों ने राज किया, इसलिए साथियों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित इस स्थान को बुंदेलखंड के नाम से भी पुकारा जाता है। साथियों 1986 अर्थात 1986 में यह स्थान विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। तो साथियों जब आप यहाँ पर आओगे और इन मंत्रों को देखोगे तो देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाओगे। साथियों यहाँ की कारीगरी, मैं कहूँ कि नागर शैली के जो मंदिर हैं उनका उदाहरण संपूर्ण भारत में खजुराहो के मंदिरों से सुंदर देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। साथियों एक ऊंची जगती पर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण में साथियों सैंडस्टोन अर्थात बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। साथियों इनका जो मुख्य द्वार होता है साथियों उस पर मुख्य द्वार पर साथियों गंगा यमुना को बता दिखाया गया है साथियों, और इसके अंदर जैसे आप प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते ही साथियों इनमें आप देखोगे
कि पहले होता है अर्ध मंडप और अर्ध मंडप के बाद में साथियों आता है मंडप और मंडप के बाद में आता है साथियों अंदर महामंडप, महामंडप के बाद में अंतराल और अंतराल के बाद में गर्भगृह। इस तरह से ये मंदिर पांच भागों में भूमि पर जो है बटा हुआ रहता है। इन मंदिरों के साथियों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम बताते हैं। तो साथियों खजुराहो के सभी मंदिर उस समय पंचायतन शैली में निर्मित थे, लेकिन वर्तमान समय में अकेला लक्ष्मण मंदिर ही पंचायत शैली में बचा हुआ एकमात्र मंदिर रह गया है। तो साथियों जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण नाम सुनकर आपको लगेगा कि भगवान प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का ये मंदिर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मण वर्मन ने किया था, जिनका एक अन्य नाम जो है यशो वर्मन था। तो ईश्वर उनके नाम के आधार पर ही इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ गया, जो कि वास्तव में यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु के तीन फेस हैं, जिसमें भगवान विष्णु का एक फेस जब आप सामने से मतलब आप प्रतिमा के सामने खड़े होकर देखोगे तो राइट साइड को आपको वामन अवतार का फेस दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड को आपको भगवान नरसिंह अवतार का फेस दिखेगा और बिल्कुल फ्रंट सामने भगवान विष्णु का मुख्य अवतार का फेस आपको दिखाई देगा। इस चीज में भगवान विष्णु के साथ उनके अन्य दो अवतारों के भी फेस लगे हुए, इसलिए इस प्रतिमा को भगवान विष्णु की वैकुंठ प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। सभी मंदिरों सेलिमेंट्री सैंडस्टोन अर्थात बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जिसके कारण ये भिन्न भिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। और देखिए साथियों ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये भगवान बराह अवतार की प्रतिमा है, भगवान विष्णु के जो तीसरे अवतार थे बराह अवतार उनकी प्रतिमा देख रहे हो, जो भगवान विष्णु के ठीक सामने जो है माता लक्ष्मी की प्रतिमा है और लक्ष्मी प्रतिमा के राइट ये जो है बराह अवतार की प्रतिमा है। इसकी पॉलिश इतनी खूबसूरत मौर्य कालीन स्थापत्य कला से ये बहुत मेल खाती है, जैसे मौर्य काल में अशोक स्तंभ और अशोक की लाइट आदि के जो पॉलिश थी ठीक उसी तरह की पॉलिश है। नंगी आंखों से और इसको स्पर्श कर भी आप देखोगे साथियों तो आपको यह मूर्तिशिल्प किसी धातु का बना हुआ प्रतीत होगा, जो कि आप एक अकल्पनीय बात है साथियों कि लगभग इस मूर्ति शिल्प के अंदर 6 से 7 टन वजन बताया गया है। तो सोचिए साथियों कि 30-35 किलोमीटर दूर केन नदी से किस प्रकार इस मंदिर को लाया गया होगा, और इस मंदिर पर जो प्रतिमा आप देख रहे हो साथियों लगभग 600 देवों की प्रतिमाएं हैं इस जो का बराह अवतार की मूर्ति पर उकेरी गई हैं। तो सोचिए साथियों कितनी बारीकी से कितने सूक्ष्म तरीके से 1-1.5 इंची की प्रतिमा बनाई गई है और उनमें कितनी बारीकी से साथियों काम किया गया है, क्योंकि आंख नाक उनके आभूषण को बहुत बारीकी से साथियों दर्शाया गया है। ये बराह अवतार के जो फेस है साथियों इसपे माता लक्ष्मी की प्रतिमा लगी हुई है और इनके जो नीचे ये जो आप ये पैर दिखाई दे रहे हैं ये भूदेवी के पैर हैं और ये जो इनके नीचे जो नाग है ये शेषनाग की प्रतिमा थी जो इसी में जो का इसी पत्थर में जो का जॉइंट है। तो उस समय पे जो है ये शेषनाग था, इसका शेषनाग का मुख फिलहाल वर्तमान की स्थिति में नहीं है। तो साथियों एक और आश्चर्यजनक बात बताएं, ये आप जो देख रहे हैं ये चंदेरों का राज चिन्ह है साथियों। जब उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया ये माना कि अब हम स्वयं
इस क्षेत्र के राजा हैं, तो उन्होंने अपना राज चिन्ह बनाया। ये चंदेलों का साथियों राज चिन्ह है और इसको देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे और आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो मूर्ति है शेर है, राजा से लड़ रहा है, शेर राजा को खाने का प्रयास कर रहा है, राजा शेर को मारने का प्रयास कर रहा है। तो एक कारीगर ने बखूबी देखिए इस शेर के जो गले में फट्टा डाल दिया है, जिससे आप देखते ही जान जाओगे कि ये शेर पालतू है और ये आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं। इसको वीडियो को आप बैक करके पुश करके देख सकते हो। और ये देखिए साथियों ऊपर कितना सुंदर जो है मंडप और अर्धमंडप और मंडप के जो ऊपर आप देख रहे हो छत पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और ये देखिए ये शिलापट है साथियों उस समय का जो खुदवाया हुआ जिसकी देवनागरी लिपि है और भाषा संस्कृत है, जो ओम नमो जो ओम नमो विष्णु वासुदेव नाम से शुरू होती है। और इस पर जो है समय भी निर्धारित है। और ये साथियों महामंडप है और जो चबूतरा है इस पर साथियों उस टाइम पे देवदासी जो है नाचती थी, नृत्य करती थी, नर्तकी और पूजा अर्चना की जाती थी। और ये बीच में अंतराल है साथियों और सामने ये आपके गर्भगृह है। तो साथियों जब जो मंदिर हमारा भारतीय मंदिर निर्माण कला है तो उसमें या तो जो मूर्ति है उसका फेस पूर्व दिशा में होता है या पश्चिम दिशा में होता है। तो साथियों जब इस मंदिर पर सुबह को सूर्य की लाइट सीधी पड़ती है तो ये दिखाई देती है, लेकिन शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो इस पे न पड़ के मंदिर के ठीक सामने माँ पार्वती के मंदिर पर लाइट पड़ती है। और माँ पार्वती के मंदिर से अर्थात माँ पार्वती की मंदिर का प्रतिमा से टकरा कर लाइट का रिफ्लेक्शन जब इस मूर्ति पड़ता है तो उसकी उससे ये मूर्ति के अंदर जो रोशनी आती है, अर्थात शाम के समय भी ये जो दूध की तरह मूर्ति भगवान विष्णु की वो चमकती रहती है। तो सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी साथियों। तो साथियों एक और अन्य बात बताएं कि ये जो मंदिर जो बनाया गया इसमें गारा चूना सीमेंट सरिया इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसमें एक जो है ताला चाबी शैली का इस्तेमाल किया गया है, जो एक पत्थर में मान लीजिए एक सुरा कर दिया और दूसरे में निकाल के कटिंग करते मतलब एक दूसरे पत्थर को फंसाया जाता था। तो उस तरीके से इनका निर्माण किया गया है साथियों, मतलब पत्थर को पत्थर रख के और एक दूसरे पत्थर में हॉल वगैरह बना के और उस तरह से इनको फंसाया जाता था। जैसे पुराने समय पे जब लोहे की कील वगैरह ना होती थी और किवाड़ वगैरह बनाते थे तो आपने देखा होगा जो कारपेंटर पहले उसमें लकड़ी में सुराख करते थे और लकड़ी में लकड़ी फंसा के ऊपर लकड़ी की कीला या फंसर बना के उसमें ठोक देते थे। तो लगभग उसी तरीके से इनको बन की रचना की गई है जिसको ताला चाली चाबी शैली भी कहते हैं। तो साथियों एक और आश्चर्यजनक बात हम इन मंदिरों की बताते हैं कि इन मंदिरों के अंदर अकेले मतलब आप देखोगे कि कंदरिया महादेव का मंदिर है तो अकेले कंदरिया महादेव के मंदिर पर हजारों से भी ज्यादा मूर्ति शिल्प बने हुए हैं साथियों। और आश्चर्यजनक बात है साथियों कि 1200 साल पहले भी जो वहाँ की फीमेल फिगर हैं उनमें 182 टाइप की हेयर स्टाइल है, अर्थात 182 तरह की औरतों के जो सर के जो बाल हैं उनकी जो डिजाइन है जो स्टाइल है 182 तरह की स्टाइल है। तो सोचिए उस समय की औरतें या स्त्रियां कितनी एक्टिव और रहा करती थी और उस समय के जो पुरुष हैं साथियों उनकी 16 प्रकार की पुरुषों की दाढ़ी की स्टाइल को इन खजुराहो के मंदिरों में साथियों दिखाया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है साथियों। सोचिए कि कितने एक्टिव उस समय पे लोग रहे होंगे।
तो साथियों मूर्ति निर्माण के हिसाब से खजुराहो की मूर्तियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख देवियों की मूर्ति आती है, विशेषकर जो गर्भगृह के अंदर रहती थी। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कुल देवता तथा अन्य गौर देवताओं की प्रतिमा आती है। तीसरी श्रेणी में सुंदर आभूषणों से तथा वस्त्रों से सुसज्जित नायिकाओं की प्रतिमाएं आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कितनी बारीकी से कितने सुंदर जो वस्त्र पहनाए गए हैं, और मतलब कर्दनी से नीचे वस्त्रों को पहना गया है और कर्दनी से ऊपर के अधिकांश हिस्से को आभूषणों से ही ढकाया गया है। तो और एक और चीज आपको साथी बता दें कि इन मूर्तियों में जो खजुराहो की टोटल मूर्तियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो मूर्ति है वो इन्हीं मूर्तियों को बताया गया जो नायिकाओं की मूर्ति हैं। और एक और साथियों आप देख पा रहे होंगे कि आप किसी भी मूर्ति पर नजर डाल दीजिए, हर मूर्ति के अंदर एक लय है, अर्थात एस टाइप एस शेप में मूर्तियां बनी हुई हैं। कोई भी मूर्ति बिल्कुल तक सीधी अर्थात अकड़कर नहीं खड़ी है। तो इसी में एक कवि ने कहा है कि कि झुकना तो महान इंसानों की पहचान होती है और अकड़न तो मुर्दों की जान होती है। तो कुछ इस तरह से ही एक शायर ने शेर कहा था, मैं अभी भूल चुका हूँ थोड़ा सा। तो साथियों चौथी श्रेणी में जो मूर्तियां आती हैं वो रति क्रिया की मूर्ति आती हैं, और जो मतलब जो काम वासना की मूर्तियां हैं। और पांचवी श्रेणी में साथियों पशुओं की मूर्ति आती है, जिसमें शार्दूल, व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, सुअर, ऊंट आदि जो आते हैं। तो आप कह सकते हो कि मूर्ति शिल्प के हिसाब से वो जो मूर्ति शिल्प खजुराहो पांच भागों में बांटा गया है। अब साथियों भारतीय प्रतिमा विज्ञान एक प्राचीन कला है, आप भली भांति इस बात को जानते हैं। प्राचीन वास्तु शास्त्र में मूर्ति का सही अनुपात बनाने की स्पष्ट उल्लेख किए गए हैं। तो प्रतिमाओं के मुद्रा के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया गया है खजुराहो को। तो नंबर एक में प्रथम वो मूर्ति आती है जो स्नातक अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा है। तो नंबर दो में आसन बैठी हुई प्रतिमा आती है। नंबर तीन में शयन लेटी हुई प्रतिमा। तो साथियों शयन मुद्रा में अधिकतर भगवान विष्णु तथा माता की मूर्तियां ही बनी हुई है, बाकी स्नातक खड़ी हुई और आसन बैठी हुई मूर्तियां में अन्य मूर्तियां। तो साथियों आपको बता दें कि पूर्ण विकसित काल में खजुराहो को इंडो आर्य स्थापत्य कला में विशिष्टता प्राप्त हुई। वर्तमान में पश्चिमी मंदिर समूह मध्यकालीन स्थापत्य कला के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में एक है। इन मंदिरों का निर्माण ऊंची जगती अर्थात चबूतरे पर किया गया है। भू रचना के आधार पर मंदिरों को पांच भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अर्धमंडप नंबर एक, अर्धमंडप जो प्रवेश द्वार है। नंबर दो मंडप जो सभा भवन है। नंबर तीन महामंडप जो अनुप्रस्थ भाग है। नंबर चार अंतराल जो प्रदक्षिणा पथ है, और नंबर पांच गर्भगृह। इस प्रकार से यह जो है भू रचना के आधार पर मंदिर पांच भागों में बटे हुए। मंदिरों की खड़ी रचना में भूतल सबसे निचले भाग को कहते हैं भूतल, उससे ऊपर जो चबूतरा आ जाता है जगती, उससे ऊपर पीठ, उससे ऊपर अधिष्ठान, उससे ऊपर जंगा, उससे ऊपर वरंडिका, उससे ऊपर शिखर, उससे ऊपर के भाग को ग्रीवा, ग्रीवा के ऊपर के भाग को आमलक, और आमलक के ऊपर के भाग को कलश, और कलश के अर्थात सबसे ऊपरी भाग को बीज पूरक आदि नाम पुकारा जाता है।
और साथियों जो आच्छादित मार्ग है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं उसके आधार पर इन मंदिरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, संधार शैली और निरंधार शैली। तो साथियों आप देख रहे होंगे हमने इन मंदिरों को तक पहुंचने के लिए कि आपको अच्छी से अच्छी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें, कोई भी भाग आपका रह न जाए, हमने इस पर गहन अध्ययन किया है और कई किताबों का, महान महान विद्वानों की लिखित किताबों का हमने थोड़ा सहारा लिया है और उसके बावजूद भी कि किताबों से बढ़कर, क्योंकि साथियों जो किताबें लिखी हुई हैं वो 20-30 साल पहले की किताबें लिखी हुई हैं जिनमें से उन्हीं का बार 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 संस्करण होता रहा है, तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम स्वयं वहां पर पहुंचकर कुछ ज्यादा से ज्यादा दिखाने का प्रयास करें। और आपको ये जो वीडियो बोर ना लगे, है ना, एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी आराम से कानों में लीड लगाइए, फोन को सामने रखिए, वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। एक एक बात आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ध्यान से आप देख लोगे तो जैसे ही आप पेपर में, पेपर कक्ष में बैठोगे पेपर देने के लिए, तो आपको एक एक क्वेश्चन जैसे खजूरा ऊपर आएगा और आपको हमारी बात याद ही आती रहेगी। और हम उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो साथियों खजुराहो के पश्चिमी सम्मुख मंदिर तक जितने मंदिर हैं सभी में 64 योगिनी का जो मंदिर है उस मंदिर को सबसे प्राचीन बताया गया है। और इसकी एक मुख्य बात है कि साथियों देवी माँ 64 योगिनी के भारत में जहाँ भी मंदिर हैं सभी गोलाकार बने हुए हैं, लेकिन अकेला खजुराहो में बना मंदिर है जो वर्गाकार जो एक चबूतरे पर जिसका निर्माण किया गया है, जो सबसे प्राचीन है साथियों। और साथियों यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है साथियों, और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है साथियों। हो सकता है वीडियो मेरी आवाज के साथ मैच ना कर रही हो, ये जो भी व्हाइट गया था ये प्रतापेश्वर मंदिर था साथियों, तो आप पोस्ट करके वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है साथियों, इसमें एक शिव पार्वती की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में जो मतलब कंदरिया महादेव के अंदर जो मुख्य गर्भगृह है, मुख्य गर्भगृह से जो लेफ्ट हैंड साइड को आप चलोगे तो वहां पर देखोगे कि माता पार्वती और भगवान शिव की एक प्रतिमा है, दोनों बैठी हुई है। इस प्रतिमा में माता पार्वती ने शेर के ऊपर अपना पैर रखा हुआ है जिससे कि ये शेर नंदी को परेशान ना करे, क्योंकि शेर जो है वो बार बार नंदी को परेशान कर रहा था भगवान की शिव को, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव डिस्टर्ब हो रहे थे बात करने में, तो माता पार्वती ने उस शेर के ऊपर अपना पैर रख लिया है जिससे कि वो नंदी को परेशान ना करे। एक अन्य मूर्ति जब परिक्रमा लगाकर आप आ जाओगे तो मतलब गर्भगृह के राइट साइड को और मूर्ति की तरफ जो पीठ करके खड़े होगे तो वो आपके लेफ्ट साइड का कॉर्नर हो जाएगा, और उसमें जब आप देखोगे तो वो चार पैरों वाले भगवान शिव की एक प्रतिमा है जिसमें भगवान शिव के चार पैर हैं, और इस मूर्ति शिव को सदा शिव के नाम से जाना जाता है साथियों। बहुत मुख्य बात है ध्यान करने की, इस तरह के प्रश्न किसी आदमी आ जाते हैं और नेट में भी आ जाते हैं। तो साथियों हम उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और एक मूर्ति के बारे में जानकारी एक एक मंदिर की बताएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो जुड़ रही हमसे और देखिए खजुराहो पार्ट 2।